करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के बाद अगर सबसे ज्यादा मराठा आबादी वाला राज्य देखा जाए तो वह राज्य है कर्नाटक राज्य, और कर्नाटक राज्य की राजधानी बैंगलोर। बैंगलोर शहर दक्षिण भारत का सबसे आधुनिक शहर और पूरे भारत देश की संगणक क्षेत्र की राजधानी है, जिसकी वजह से इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं कि इस शहर को सबसे पहले अपनी अलग पहचान प्राप्त करके देने वाले यदि कोई है तो वह है छत्रपति शाहजी राजे भोसले। जी हाँ दोस्तों, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री थे। 17वीं शताब्दी में बैंगलोर एक छोटा सा गाँव था जिस पर कपेगोंडा तृतीय नामक एक सरदार का शासन चल रहा था। जब शाहजी राजे दक्षिण भारत के अभियान पर गए थे तब उन्होंने 1638 में कपेगोंडा तृतीय को युद्ध में हरा दिया और उससे कर्नाटक राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया। और इसी पराक्रम के ऊपर खुश होकर आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर, कोलार, होस्कट, दोड़ाबट्टापुरा और सिरा जैसे गांव इनाम के तौर पर भेंट दिए, जिसके बाद शाहजी राजे ने बेंगलोर और उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना स्वतंत्र राज्य करना शुरू कर दिया। बेंगलोर को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन बेंगलोर को अपनी राजधानी घोषित कर शाहजी राजे उतने पर ही रुके नहीं। उन्होंने बेंगलोर का बहुत सारा विकास किया, जैसे कि शाहजी राजे ने बेंगलोर में कई सारे बगीचों का निर्माण करवाया, जल व्यवस्था के लिए हर जगह पर कुओं का निर्माण करवाया, व्यापार पेटों को सुसज्ज बनाया, बाहरी राज्यों के व्यापारियों को यहाँ पर स्थलांतरित किया, महाराष्ट्र से कई सारे ब्राह्मण बुलवाकर पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, राज्यों के सीमा को मजबूत कर उसका संरक्षण किया, और बहुत सारे संघर्ष एवं प्रयासों के बाद बेंगलोर जैसा छोटा सा गांव छत्रपति शाहजी राजे भोसले ने राजधानी के शहर में परावर्तित कर दिया। बेंगलोर को छत्रपति शाहजी महाराज की राजधानी के तौर पर दिल्ली तक के लोग जानने लगे थे। इसके बाद कई सारे मराठा परिवार बेंगलोर में स्थलांतरित हुए। इतना ही नहीं, छत्रपति शाहजी राजे भोसले ने राजमाता जिजाऊ के समक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सोयराबाई के साथ बेंगलोर में ही करवाया था। दोस्तों, आज भी कर्नाटक के उस बेंगलोर शहर के भाग्य विधाता छत्रपति शाहजी राजे भोसले जी की समाधि कर्नाटक के होदिगिरे गांव में मौजूद है। आप भी अवश्य दर्शन के लिए वहां पे जाइए। छत्रपति शाहजी राजे भोसले के मृत्यु के बाद हिंदवी स्वतंत्र स्वराज्य का संकल्प करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1678 में मुगल सल्तनत को उखाड़ कर सफलतापूर्वक कर्नाटक राज्य पर विजय हासिल कर दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने मैसूर के राजा चिक्कादेव राय के साथ सुलह करने का प्रयास किया था, परंतु मैसूर का राजा चिक्कादेव राय औरंगजेब का मित्र था और इसी वजह से उसने छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा भेजा गया सुलह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और इतने पर ही वह रुका नहीं, उसने 3 मराठा सरदारों के सर काटकर श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लटका दिए। छत्रपति संभाजी महाराज को यह बात जब पता चली तब प्रतिशोध लेने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने त्रिचिनाचली पर घेराबंदी कर दी, जो कि एक बहुत ही बड़ा युद्ध मैदान था। इसी ही युद्ध के मैदान में मराठा सैनिक एवं मैसूर के सेना में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। मराठा सैनिकों ने मैसूर के सेना पर अग्निबाण से प्रहार किया और इसी वजह से चिक्कादेव राय की युद्ध सामग्री जलकर खाक हो गई। कई सारे सैनिक आग में जलकर मर गए। अब धीरे धीरे मराठा सैनिकों ने मैसूर के किलों पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना शुरू कर दिया और मराठों का यह रुद्र रूप एवं अपनी हानि होती देखकर चिक्कादेव राय को अपनी हार सामने देखने लगी और अंत में उसने हार मान ली। वह छत्रपति संभाजी महाराज के शरण में आ गया और उसने मराठों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया और युद्ध की भरपाई की रकम के स्वरूप 1 करोड़ होन दिए। चिक्कादेव राय शंभू राजा से इतना डरा हुआ था कि बाद में युद्ध भरपाई की रकम देने के लिए वह खुद सामने नहीं आया, बल्कि अपने छोटे भाई को वह रकम देकर भेजा था। भारत देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित रामा राघोबा राणे जी का जन्म भी कर्नाटक के कारवाह जिले में एक मराठा कुटुंब में हुआ था। आप में से बहुत कम लोगों ने रामा राघोबा राणे जी का नाम सुना होगा। चलिए इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इनके बारे में ऐसा बोला जाता था कि कितने भी दूर बंदूक के गोली से वह अपना नाम लिख सकते थे, इतना गजब का उनका निशाना था। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के राजौर क्षेत्र में लैंडमाइंस बिछाए हुए थे। इसी वजह से भारतीय सेना का आगे बढ़ना नामुमकिन था। इन स्फोटक लैंडमाइन को वहां से हटाने की जिम्मेदारी राणे जी पर सौंपी गई, जिन्होंने आर्मी टैंक के नीचे से बिना खाए बिना पिए बिना रुके लगातार 72 घंटे इन स्फोटक लैंडमाइंस को हटाया।
इसी वजह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 500 सैनिकों को मार गिराया था और कश्मीर के राजौरी क्षेत्र पर जीत हासिल कर ली थी। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रामा राघोबारा ने दक्षिण भारत में परमवीर चक्र पाने वाले एकमात्र एवं पहले व्यक्ति थे। वो उन चंद सैनिकों में से है जिन्होंने जीवित रहते ही यह सम्मान प्राप्त किया है। और इतना ही नहीं, भारत देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली भारत देश के सबसे पुराने रेजिमेंट में से ही एक मराठा रेजिमेंट, जिसका मुख्यालय भी कर्नाटक के बेळगाव जिले में स्थित है। और खास बात तो यह है कि इस रेजिमेंट का घोष वाक्य है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बहुत ही अभिमानास्पद एवं गौरवास्पद बात है हमारे लिए यह। 1947 से पूर्व कर्नाटक राज्य में दो मराठा रियासतें थी, पहली सुंदूर संस्थान और दूसरी मुधोल संस्थान। मराठा राजवंश घोरपड़े ने सुंदूर और मुधोल क्षेत्र पर लगभग 300 साल तक शासन किया, जो मूल रूप से सर सेनापति संताजी घोरपड़े के वंशज है। सुंदूर के मराठा घोरपड़े वंश ने सुंदूर शहर में बहुत ही खूबसूरत एवं सुंदर पैलेस का निर्माण करवाया है। यह पैलेस लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे शिव विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी कर्नाटक राज्य में लगभग 40 से 45 लाख मराठे हैं, जो बेळगाव, बेंगलोर, बालकोट, बिदर, धारवाड़, मैसूर ऐसे विविध क्षेत्र में आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें अवश्य बताइए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मराठा भाइयों तक यह शेयर कीजिए, क्योंकि मराठों का पराक्रम हम सभी को पता होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि कर्नाटक के मराठा रियासत के बारे में हम और भी एक वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। जय शिवराय, जय शंभू राजे।